हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए स्वादिष्ट गाजर की खीर लेकर आई हूँ। आप इस नवरात्रि पर इसे अवश्य बनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए मैं आपको इसकी सामग्री बता दूँ। हमने एक गाजर ले ली है, 200 ग्राम के बराबर है। इसे हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। आधा लीटर मिल्क लिया है, 1 टीस्पून घी, बहुत कम घी लगेगा, आधा कटोरी शक्कर, आधा कटोरी हमने ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, बारीक चॉप्ड कर लिया है। चलिए खीर बनाते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दी। गैस की फ्लेम हमने धीमी रखा है। हमने 1 टीस्पून घी लिया था, मैं 1/4 टीस्पून इसमें घी डालती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स लिया है ये हम थोड़ा भून लेंगे। फ्लेम लो रखना है, बस हमें 1 से 1.5 मिनट ड्राई फ्रूट्स को भूनना है ताकि क्रंची हो जाए। देखिए हो चुके हैं, 1 मिनट हो गया, भून चुके अच्छे से। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्लेम बंद कर दिया है। देखिए हमने निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में हम फिर से जो बचा हुआ घी है वो डाल देते हैं। गैस ऑन कर दिया है। कद्दूकस किया हुआ गाजर है, ये हम डाल देंगे। इसे हमने 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे भून लिया है। देखिए भून चुकी है। अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। दूध के ऊपर जो क्रीम आती है उसके साथ में हमने डाल दिया है। आप अगर कच्चा दूध ले रहे हैं तो क्रीम वाला ले। अब इसे हम पकने देंगे। करीब 8 से 10 मिनट लगता है ये खीर बनने में। बहुत जल्दी झटपट खीर बन जाती है और बहुत कम गाजर में 2 से 3 लोगों के लिए इसमें खीर बनकर तैयार हो जाएगी। जब भी आप गाजर को भूनें तो एक बात का ध्यान रखें कि वो नीचे ना लगे। लगातार चम्मच चलाते रहिए और जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम 5 से 6 मिनट इसे पकने देंगे। दूध के साथ में दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। इसे ढकना नहीं है, नहीं तो ये उबल जाएगा। हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है और देखते रहना है कि उबले ना। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, खीर भी बन चुकी है। अब हम इसमें शक्कर डाल देते हैं। मैंने 1 कटोरी छोटी कटोरी से, और जो बड़ी कटोरी इसका कद्दूकस किया हुआ जो गाजर थी उसका मैंने आधा कटोरी लिया था, और ये छोटी कटोरी से 1 कटोरी शक्कर लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए, जैसा मीठा पसंद करते हैं। मैंने शक्कर डाल दिया। इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। शक्कर डालने के बाद में हम इसे चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो इसके तले में चिपक जाएगा ये। देखिए शक्कर को भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हम कम अमाउंट में हमने देखिए 2 से 3 लोगों के लिए खीर बनाकर तैयार कर ली है। जब हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो हमें लगता है कि इतनी सी गाजर है, हलवा नहीं बन पाएगा, लेकिन आप खीर 1 गाजर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है खीर का। आप इस नवरात्रि के अवसर पर इसे जरूर बनाइए और अपने व्रत में इसको जरूर खाइए।
और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।